गया अमिता। नमस्कार देवी और सजन। नमस्कार 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 नमस्कार। आज हमारे पाँव नहीं छूओगे, नमस्कार करोगे? नमस्कार सर। हाँ, मैं यही चाहता था, बस एक बार पैर छू ले ये बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बिंदु जी, क्या मैं बस आइए आप बीच में? या बड़े ही सालों बाद मुलाकात हो रही है, बहुत बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तो पहले भी आप मुझे यही कहते थे, आज भी यही कह रहे हैं। लेकिन वही खूबसूरती, वही चमक, वही खनक। एक बात कहूं दिल से, ये तो स्क्रिप्ट की मजबूरी होती थी जो मैं दूसरी हीरोइन के पास चले जाता था। मुझे आपकी नजरों से मालूम पड़ जाता था। और आप तो जानती हैं कि आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वैसे सर आप हास्य विनोद बहुत अच्छा करते हैं। विनोद होगा आपका, हमारा तो हास्य अभिषेक है। और अरुणा जी कैसे हैं? जी बस जी रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बॉम्बे टू गोवा, ओ यार नहीं नहीं, हम लोगों ने साथ में की थी। बिल्कुल। एट दैट टाइम गोवा वाज नॉट दैट हैपनिंग। हम जाते थे अर्चना, हमें याद है कि जो ये फॉरेनर देवियां होती थी वो भी फुल स्लीव साड़ी पहन के घूमती थी। इट वाज नॉट दैट। बैक टाइम। खैर, कपिल जी के यहाँ पर आए हैं। कपिल जी, बहुत बढ़िया। एक चीज पूछनी थी, ये पुराने दौर की जो सुपर स्टार है वो यहाँ पर बैठी हैं जी, तो ये कांचा चीना को अपने सामने क्यों बिठाया? सर वो कांचा चीना नहीं है जी। अगर वो कांचा चीना नहीं है तो फिर ये मांडवा जैसी औरत यहाँ पर क्यों बैठी है? बच्चन ये तो कह रही थी ये आपको जानती है, आपका चक्कर था इनके साथ, बच्चू बच्चू बुला रही थी आपको। एक मिनट, सच सच बताइएगा, क्या आपने ऐसा कहा था? सर वो तो मैं मजाक कर रही थी। अगर ये देवी जी यहाँ पर मजाक कर रही थी तो आप सज्जन जी यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? ये जो मजाक के नाम पे रायता फैलाते हैं ना, उनको मैं संभालता हूँ बाद में। बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय काम करते हैं आप, बहुत बढ़िया। प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसनीय। हाँ प्रशंसनीय। अगर हमारा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लीजिए। सॉरी बिंदु जी, कभी कभी ऐसे हमारा हास्य अभिषेक निकल जाता है। मेरी बात सुना, आपका हास्य अभिषेक नहीं, आपका कृष्ण अभिषेक निकल रहा है। अरुणा जी मैं बताती हूँ, ये नकली अमिताभ बच्चन है। नकली होगी तेरी माँ और नकली होगा उस माँ का नकली बेटा। अगर तुम दोनों में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मुझे रविवार को आकर मिलना। अगर पोलियो की दो दो बूंदे ना पिलाई तो मैं भी शहंशाह नहीं। बच्चन साहब ये कह रही थी केबीसी में ऑप्शन भी इसी ने दिए आपको। केबीसी की बात की इन्होंने? हाँ जी। तो समय समाप्ति की घोषणा, हम ऑडियंस से पोल लेकर अब तुम्हारी लाइफलाइन तोड़ेंगे। अरुणा जी मैं आपको बता रही हूँ, नकली अमिताभ बच्चन है। अरे काय का नकली अमिताभ बच्चन? नहीं नहीं अरुणा जी, मुझे एक बात बताइए, इस धन्नो जैसी दिखने वाली औरत के लिए क्या असली अमिताभ बच्चन आएंगे कभी? इसीलिए उन्होंने मुझे यहां पर भेजा है। देखिए देवी जी, मैं कभी भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए आपका मैं जूड़ा काटूंगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सारा थूक मुझ पर फेंक दिया आपने। रिश्ते में तो हम तुम्हारे। बहुत लगते हैं।
ओरिजिनल लगते हैं रिश्ते में बाप, तुम तो रिश्ते में सबके भांजे लगते हो। अगर अब भांजा भांजा किया तो भांजी मार दूंगा मैं यहाँ पर, समझे? अरुणा जी, ऐसी औरतें होती हैं जो खुद की शादी पे अगर कोई ज्यादा शगुन डाल देना तो उसको अपना पति मान लेती है। और फिर वो ओरिजिनल बच्चन साहब हैं जो आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाते। तुम तो इतना गिर गए हो कि गिर गिर के गिरगिट बन गया। क्या बन गया? गिरगिट बन गया। गिरगिट, कभी लड़की बनता कभी लड़का बनता। हाँ, बनता हूँ मैं लड़की। बनता हूँ मैं लड़की। कोई भी इंसान अपने घर से लड़की बनकर नहीं निकलता साहब। लड़की बनाता है उसे ये चैनल, ये हंसने वाले लोग। जाओ जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मुझे वैक्सीन करने पर मजबूर कर दिया। जाओ, ये, ये, ये। सदमी का साइन लेकर आओ जिससे मेरे पजामे को पैची खोट बना दिया। मैं अभी इसी वक्त साइन करने के लिए तैयार हूं। कौन से साइन मांगे? किसने आपसे साइन मांगे? खामखा डायलॉग बोली जा रहे हो। सीधा सीधा बोलो, टीवी पे आना है। बोल रहे के बात करो। अपनी नाभि में खैनी डाल के खाती है। Get out from here. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.